जय हो मालिक की। चोर चोर, वो मेरे पर्स चुरा कर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे, पकड़ो उसे कोई। शिवा मदद करो। मेरे पीछे पड़ा है, हट जाओ, तुम मुझे जानते नहीं। नाम है छोटू राम, करूं मैं काम बड़े बड़े, समझे बच्चे? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। लड़का तो बहुत डेंजरस है, भागने में ही भलाई है। चलो चलो, जेल चल के खूब धुलाई करता हूँ, वो भी बिना डिटर्जेंट के। अब बताओ, कौन से डंडे से मार खाना चाहोगे? ये हाँ, ये छड़ी मस्त है खातिरदारी के लिए। नहीं 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 नहीं, बहुत पतली है, जाने दो। ये नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये मस्त है। नहीं नहीं तो ठीक है, ये डंडा कैसा लगा? मजबूत भी और टिकाऊ भी, इससे तुम्हारी खातिरदारी अच्छी होगी। मत मारो लट्टू सिंह जी, लगता है दुखता है। अब मैं इससे भी बड़ा डंडा लाता हूँ। छोटू राम, आज के बाद तुम चोरी वोरी और कोई बड़े काम नहीं करोगे, इतनी धुलाई करूंगा तुम्हारी। वेट, कुछ तो सोचना होगा, वरना ये तो डंडों की बरसात करता रहेगा। ओके, यस, अच्छा तरीका है। हेलो कमिश्नर साहब। ये कमिश्नर साहब से क्या बात कर रहा है? कमिश्नर साहब, आपने फंसा दिया, ये तो चोर समझ के मेरी धुलाई कर रहे हैं। सर, आपने मुझे भेजा कि चोर बन के जाओ और टेररिस्टों का पता लगाओ, ये तो हर साइज का डंडा दिखाकर मेरी धुलाई कर रहा है, अब दूसरा डंडा लेने गया है। सर, अगर बता दिया कि मैं CID इंस्पेक्टर हूँ तो पोल खुल जाएगी और टेररिस्टों को पता चल जाएगा। अब सर, कैसे निकलूं यहाँ से, आप ही बताइए। सर सर सर, सॉरी सर, मैंने आपकी बातें सुन ली है सर। भरोसा रखिए, आपका सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा, हम सब देश की सेवा के लिए हैं। कोई मदद की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, आप जा सकते हैं सर। जय हिंद। ओके ओके, थैंक यू, मैं आपका प्रमोशन करवा दूंगा। ओके, सी यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं कमिश्नर साहब को भी फोन कर देता हूँ कि CID ऑफिसर को छोड़ दिया है और मैं भी इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा हूँ। हेलो कमिश्नर साहब, मैंने आपके आदमी को छोड़ दिया है, अब सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा, हम उस टेररिस्ट। कौन है मेरा आदमी, कौन सा सीक्रेट? लगता है तुझे बेवकूफ बनाया गया है लड्डू सिंह। जाओ ले जाके उसे पकड़ के ले आओ। सर, गलती हो गई सर, सॉरी, मैं उसे जल्द ही पकड़ लूंगा। सर सर, छोड़िए छोड़िए, अरे बाहर तो जाने दीजिए। सर सर, सुनिए तो। नाम है छोटू राम, करूं मैं काम बड़े बड़े, मैं अब चोरी तो यही करूंगा, देखता हूँ वो चटंकी क्या करता है। जय हो मालिक की, ऊपर वाले की।
नमस्कार नमस्कार, आप तो बड़े महान संगीतकार हैं। चेहरे पर क्या तेज है, दिल के बड़े दयालु हैं, महान हैं। अरे महाराज, ये सब आपको कैसे पता? बूढ़ा बच्चा, ये साधु अंतर्यामी है, भूत भविष्य सब बता सकते हैं। ये भी बता सकता है कि आपके घर एक वीर बालक है। हाँ हाँ, मेरा नाती शिवा बड़ा बहादुर है। परंतु उस वीर बालक पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस संकट को टालने का एक ही उपाय है, वो आज से 15 दिन तक किसी से कोई लड़ाई ना करे, अन्यथा उसकी जान को खतरा तो है ही, इस घर पर भी बड़ा संकट आ जाएगा। नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं करने देंगे। फिर तो इस घर पर कोई संकट आ ही नहीं सकता, आप लोगों का भला ही भला होगा। शिवा शिवा। जी नानी, क्या हुआ? तुम वादा करो 15 दिनों तक तुम कोई फाइट नहीं करोगे। पर क्यों नानी, जब कोई गलत काम करता है तो मैं उसे रोकने के लिए? कुछ नहीं, बस तुम मुझसे वादा करो कि 15 दिन तक कोई फाइट नहीं करोगे। ओके नानी, ठीक है, नहीं करूँगा। अब आएगा मजा। अरे अरे छोटू राम, ये वाला ये कैसा है? हटाओ हटाओ, डंडे को हटाओ। लड्डू सिंह जी, आपने मेरी बहुत डंडा धुलाई की, अब आपकी बारी है, कम ऑन। अरे रे 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 रे, अरे अरे, ये डंडे से तुम मुझे क्यों मार रहे हो? पेड़ा राम बचाओ। डंडा डंडा कहाँ है डंडा? अरे कितना मारोगे? इतना तो मेरे टीचर ने भी नहीं मारा था। मत मारो। हेलो शिवा, जल्दी आओ। मत मारो, बहुत लगता है। मेरा शिवा आ गया। तुम आ गए, अच्छा हुआ। शिवा, इसने मेरी बड़ी धुलाई की है, इसको भी धो डालो शिवा। नहीं लड्डू सिंह जी, मैंने वादा किया है 15 दिनों तक कोई फाइट नहीं करूंगा। अरे शिवा, तुम्हें भी आज ही वादा करना था। अरे कल से वादा कर लो, आज इसकी पिटाई करो पिटाई। अरे इस चोर ने मुझे बहुत कूटा है, इसे कूट दो। देखो देखो, इसने इसने तुम्हें बच्चा बोला, बच्चा। नहीं लड्डू सिंह जी, इसने मुझे बच्चा कहाँ बोला? आप मुझे ऐसे ही लड़ने के लिए मत उकसाइए। पेड़ा राम जी, आप इसे अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दीजिए ना। किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे अरेस्ट करे? मैं चला, मेरा काम हो गया। शिवा, ये तो भाग गया, अब क्या करोगे? अब तो वो कुछ भी करेगा। लड्डू सिंह जी बचाइए, एक चोर मुझे पकड़ के ले जा रहा है। शिवा, वो चोर सेठ को पकड़ कर ले जा रहा है, जल्दी उसे बचाओ। जाओ मेरे सामने से, जाने दो, मुझे मेरा काम करने दो। ओके, मैं फाइट नहीं कर सकता, पर चोर अंकल, तुम्हें इसे ले जाने भी नहीं दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। Thank you.
तुमसे तो पूरे 20 करोड़ वस... ये क्या बोला है? बगैर फाइटिंग करे सेठ को कैसे बचाएगा? बचा भी दिया लड्डू सिंह जी। आपके सेठ करोड़ी मल जी को ले आया और वो भी विदाउट फाइट के। थैंक यू शिवा, कमाल कर दिया, बिना फाइट के सेठ जी को बचा लाए। पर शिवा, ये तुम्हारा 15 दिन कब पूरा होगा? कहीं वो चोर फिर ना आ जाए। नहीं आएगा, और अगर ये आया तो आप बिना पूछे अंदर कर देना, छोड़ना नहीं। अरे अरे शिवा, मैं उसे अंदर कहाँ करता हूँ, वही मुझे अंदर कर देता है। ओके लड्डू सिंह जी, जब आए तो मुझे बताना, देखता हूँ उसे। तुम फिर आ गए। पहले ये बताओ, तुमने उस लड़के को मेरे पीछे क्यों भेजा? तुम चले गए। अरे छोड़ो, अरे अरे शिवा, अरे बच्चो। बोलिए पेड़ाराम जी। शिवा, वो चोर लड्डू सिंह जी को पकड़ के ले गया। अरे कहाँ ले गया? मुझे नहीं पता कहाँ ले गया। आपके पास पुलिस डॉग नहीं है जो सूंग सूंग कर क्रिमिनल तक पहुँचता है? नहीं, तुम्हारा वो डॉगी है ना, उसको बोला ना सूंगे। अरे हाँ। यहाँ ढूंढो, यहाँ होंगे, यहाँ ढूंढो, यहाँ होंगे। हाँ हाँ, अंदर ढूंढो, अंदर छुपे होंगे। अरे भाई, क्या ढूंढ रहे हो, यहाँ क्या छुपा है? लड्डू सिंह जी को कहाँ छुपाया है? लड्डू सिंह? लड्डू सिंह तो यहाँ नहीं है भाई। तो फिर डॉगी यहाँ सुनते हुए क्यों आया? याद आया, लड्डू सिंह जी ने कुछ दिन पहले यहाँ से चिकन खाया था, वही सुनते हुए यहाँ आ गया है। ओके, वापस पुलिस स्टेशन चलते हैं, कुछ और सुंघाते हैं। ये सुंघाते हैं, ये सुंघो, ये लड्डू सिंह जी की ओरिजिनल स्मेल है। इसे क्या हो गया? इसे क्या हो गया? ये तो सॉक्स सुंघ के बेहोश हो गया। इसमें क्या है? ये तो ठीक है। ये तो फेल हुआ लड्डू सिंह जी को ढूंढने में, अब कोई और प्लान बनाना होगा। आ गया आइडिया। अरे चोर भाई साहब, और कितने पीटोगे? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। देखो अब हम कहाँ कहाँ चोरियाँ करते हैं। ये देखिए, बहादुर शिवा ने इस चोर को कैसे पकड़ा। आज ही सुबह ये चोर यहाँ चोरी कर रहा था। अरे, इसने फाइट शुरू कर दी। इसने तो 15 दिनों का वादा किया था, अब मैं शहर गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो इसके नाना नानी के पास। जय हो मालिक की, ऊपर वाले की। बस ये जानने आया था कि आपके शिवा ने कहीं फाइट तो नहीं शुरू कर दी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे शिवा ने कोई फाइट नहीं की। वो टीवी पर न्यूज देखी, शिवा लड़ाई कर रहा था तो आपको चेतावनी देने आया। क्या शिवा फाइट कर रहा था? हाँ हाँ, बचाओ, इस साधु ने अपनी आँखों से देखा वो। शिवा बाहर आओ बेटा। शिवा, तुमने फिर फाइट शुरू कर दी। नहीं नानी, आपसे किया वादा कैसे तोड़ सकता हूँ। अरे महाराज जी ने न्यूज में देखा है तुम्हें, तुम फाइट कर रहे थे। नहीं नाना जी, वो कोई पुरानी क्लिपिंग देख रहे होंगे। हाँ शिवा, 15 दिनों तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, साधु महाराज जी ने मना किया है, वरना इस घर पे संकट आ जाएगा। नाना जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे हाँ आदि, होता है होता है। देखो ये बालिका कितनी बुद्धिमान है, बड़ी ज्ञानी है।
हाँ हाँ, मैं तो महाराज आपका चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि आपका पिट योग आने वाला है, 15 काल आने वाला है। बालिके, ये पिट योग क्या होता है, 15 काल क्या होता है? शिवा, महाराज को अंदर ले जाओ और इन्हें अच्छी तरह पिट योग बता दो। आइए महाराज, अंदर आइए, मैं आपको पिट योग बताता हूँ। ठीक है, चलो बच्चा। अरे महाराज, इतना बोझ लेकर कहाँ जा रहे हैं, इसे उतार दीजिए। नानी, ये चोर है, इसी ने ही लड्डू सिंह जी को पकड़ कर रखा है और उनकी पिटाई भी की है। समझ में आ गया? नहीं शिवा, मैं हार गया, अब बस करो। लड्डू सिंह जी, मुझे जेल ले चलो। लड्डू सिंह जी कहाँ है? अरे अरे शिवा, अकेले ही फाइट करते रहोगे क्या? मुझे तो निकालो यहाँ से। शिवा, मुझे छुड़ाओ, छुड़ाओ, छुड़ाया। अब शिवा तुम हट जाओ, हटो। शिवा तुम देखना मेरे सीक्रेट वेपन का कमाल। अब इससे मैं हिसाब बराबर करता हूँ।